सीएम त्रिवेंद्र की जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई है। जी हां, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल मुंबई में वेलनेस समिट के लिए आयोजित रोड शो में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आने वाले थे और ये बात थी कि कहीं ना कहीं मुलाकात जेपी नड्डा से होनी है, तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह तरीके का कटाक्ष किया गया था जब हरीश रावत ने ट्वीट किया था और कि अस्थिरता कहीं ना कहीं राज्य में देखने को मिलेगी, बीजेपी जो है वो स्थिर सरकार यहाँ नहीं चाहती, उसके बाद ये कवायद देखने को मिली थी जिसे लेकर बीजेपी ने नकारा था इस बात को कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुलाकात जो है वो ऐसे ही आला कमान की तरफ से बुलावा भेजा गया और ये मुलाकात बस एक फॉर्मल मीट की तरह होनी है, लेकिन मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, वक्त नहीं मिला है। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, मुलाकात जो होनी थी, इस मुलाकात को लेकर भी उत्तराखंड में सियासत जो है वो गरमाई हुई थी, जो कांग्रेस की तरफ से शगुफा छोड़ा जा रहा था कि तलब किए गए हैं, बुलाए गए हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को नकार रही थी कि ये सिर्फ एक फॉर्मल मीट है, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं मिल पाया और निकल गए। कैसे देखते हैं, क्या वाकई में ये फॉर्मल मीट है, मीट होनी थी जिसके लिए वक्त भी मांगा गया लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, वक्त की कमी की वजह से निकल गए त्रिवेंद्र सिंह रावत? अमित, देखिए सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली में कई प्रोग्राम पहले से अरेंज थे मुख्यमंत्री के, उन प्रोग्रामों में भाग लिया और उसके साथ ही चूंकि जिस तरह से लगातार जो है सीएम को हटाने की खबरें आ रही थी, अटकलें चल रही थी कांग्रेस की तरफ से, हरीश रावत की तरफ जिस तरह से बात आई और उसके बाद से पूरी बीजेपी में फैल गई, और यही नहीं बीजेपी के कई मंत्री और विधायक भी आज दिल्ली में थे और बाकायदा उनके लिए लंच जो है वो त्रिवेंद्र सिंह ने दिया, तो इससे अटकलें और तेज थी। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो समय मांगा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से वो नहीं मिला, नड्डा का शेड्यूल बिजी था और यही वजह थी कि आज मुलाकात नहीं हो पाई और जो मुंबई निकलेंगे अपने प्रोग्राम उनके पहले से अरेंज है उसके लिए वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। जी अमित, मुलाकात तो नहीं हो पाई लेकिन अब इसे और भी, इस खबर को और भी हवा मिलेगी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं, और कांग्रेस भी जो है वो इसे लेकर घेरने की कोशिश करेगी सरकार को, क्योंकि हरीश रावत के ट्वीट को भी हमने देखा और तेवर भी देखे, वो उस बात पे अड़े रहे। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह समय नहीं मिला है, राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज खुद त्रिवेंद्र सिंह की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है लोग जो है वो साजिश कर रहे हैं और जिस तरह से उत्तराखंड सरकार अच्छा काम कर रही है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा और यही वजह है कि वो अपने घरों को नहीं देख रहे। खुद हरीश रावत के ऊपर उनका तंज था कि पहले वो अपने घर को संभाले, अपने को संभाले, बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, उत्तराखंड की सरकार भी जिस तरह से काम कर रही है और उसकी भी खबर लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से समय नहीं मिला उसके बाद कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार जो है वो अभी भी वैसा ही गर्म है, क्योंकि कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पे लगातार जमे हुए हैं और उनकी तरफ से भी इस तरह की चीजें आ रही है कि किस तरह से उत्तराखंड को लेके सरकार में उथल पुथल मची हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम जानकारी के लिए।